सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है? अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है? वेलोसिटी। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी पता चलती है। इधर पे स्पीड पता चलती है ना? हाँ सॉरी, स्पीड। हाँ स्पीड पता चलती है ना? हाँ स्पीड, स्पीड मैंने गलती से बोल दिया। डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है ना। जैसे मान लो ये ऐसा बना दिया अपन ने अभी ग्राफ, तो इसकी जो स्लोप आएगी यहाँ पर, इसकी जो स्लोप रहेगी थीटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता। और हाँ, तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप मतलब m इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये स्पीड के बराबर होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है आपको? स्पीड पता चलती है। ये आगे से याद रखना है, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता। क्या ये ग्राफ सही है आपको बताना यहाँ पे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इधर पे ले लिया डिस्टेंस और इधर पे ले लिया मैंने टाइम, ये ग्राफ सही है कि गलत है? ये ग्राफ सही है या गलत है? दिस इज रॉन्ग ग्राफ। क्यों रॉन्ग है बेटा? Since distance never decreases with time, since distance never decreases with time, never decreases with time, time के साथ में कभी भी distance decrease नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ wrong हो गया यहाँ पे सर। अब दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पे position time graph बोला जाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ये मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया। ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ कर दी इधर पे, पोजीशन मतलब एक्स, और इधर पे आपने ले लिया टी, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है यहाँ पे? पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलेगा? स्लोप मतलब स्लोप कहीं भी निकाल सकते हो आप, ऐसा है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलेगा? वेलोसिटी पता चलेगी। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी, स्लोप m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या पता चलता है? वेलोसिटी पता चलती है। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये कौन कौन से सही है ये आपको बताना है, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ मैं दो तीन ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूं। एक तरफ आपने x लिया, फिर t, फिर x, फिर t, इधर x, और फिर इधर पे आपने क्या ले लिया? t ले लिया। इस पे कौन कौन से ग्राफ सही हैं? कौन कौन से सही है इसमें, कौन सा गलत है? थर्ड वाला रॉन्ग है। क्यों सर? पहला वाला सही है सर। एक ही टाइम पे दो पोजीशन पे नहीं रह सकता ना कोई। हाँ, ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है। पोजीशन कैन बी नेगेटिव, और ये वाला ग्राफ क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी यहाँ पे रॉन्ग है, समझ गए। तो रॉन्ग क्यों आ रहा बेटा? थर्ड वाला ग्राफ रॉन्ग क्यों आ रहा है? एक ही टाइम पे दो पोजीशन हो सकती क्या? अभी तुम अपने घर पे भी बैठे हो, और अभी तुम कोचिंग पे भी हो, या अभी तुम सिनेमा हॉल पे हो, हो सकता है ऐसा क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पार्टिकल कैन नॉट, नॉट पॉसिबल, सॉरी, नॉट पॉसिबल, पार्टिकल कैन नॉट बी,
आर्टिकल कैन नॉट बी लोकेटेड एट टू डिफरेंट पोजिशन इन सेम टाइम. देखो सेम पोजिशन दो अलग अलग टाइम पे हो सकती है, ठीक है, सेम पोजिशन दो अलग अलग टाइम पे हो सकती है, लेकिन एक ही टाइम पे सेम पोजिशन नहीं हो सकती. पार्टिकल कैन नॉट बी लोकेटेड एट सेम पोजिशन टू सॉरी कैन नॉट बी लोकेटेड एट टू पोजिशन एट सेम टाइम. टू पोजिशन एट सेम टाइम पे दो पोजीशन पे लोकेटेड नहीं हो सकता. समझ गए अभी? अरे भाई समझ गए? हाँ बोलो. सर वो डिस्टेंस वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी. वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा ना. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को. देखो वो रॉन्ग इसलिए है रेनुका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ में डिक्रीज. अभी आ रही आवाज बराबर? हेलो आवाज आ रही बराबर? हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए गलत दिया हुआ है वहां पे क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता. आपने आप गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है, घर से निकले फिर वापस घर लौट के आ गए तो डिस्टेंस उतना ही रहता है कि बढ़ते जाता है. फिर दूसरे दिन फिर देखोगे तो फिर बढ़ेगा कि ऐसा कम हो जाता टाइम के साथ में. हेलो बढ़ते ही है ना. हाँ रेणुका समझ गए अभी? रेणुका समझ गए? हाँ सर. तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, जबकि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कोई भी हो सकता है, पोजीशन से थोड़ी फर्क पड़ता है, ठीक है ना. इसलिए तो ये जो ग्राफ था ये गलत हो गया था. अब अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 2 पे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो भाई. और आज की क्लास को कौन शेयर करेगा? रेणुका तुम कर देना, ठीक है, सेकंड ग्रुप में. मयूर तुम फर्स्ट ग्रुप में कर देना. हाँ सर. मयूर हाँ सर कर दूंगा. अब अगले पेज पे जा रहे बेटा अपन, पेज नंबर 2. अभी अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, अब अपन स्पीड टाइम ग्राफ और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहानी देखते हैं ना. स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ. हाँ इधर पे आपने ले लिया स्पीड, इधर पे आपने ले लिया टाइम. देखो स्पीड टाइम ग्राफ से भी सम टाइम आप ना क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल केस पे ही कर सकते हो, बाकी पे नहीं, है ना. तो ये जैसे स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप से कुछ पता चलेगा क्या? स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप से बेटा कभी भी एक्सीलरेशन कुछ केस पे निकाल सकते हो. कुछ केस का मतलब समझ गए कैसे? कुछ केस का मतलब समझ गए? जहां पे स्पीड और वेलोसिटी, हाँ स्पीड और वेलोसिटी अगर सेम है तो एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हो स्लोप से, अदरवाइज आप एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं निकाल सकते, ठीक है. तो इसकी जो स्लोप होगी मैं लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इफ velocity and speed are same. Velocity is equals to speed. Otherwise नहीं है. लेकिन इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, ठीक है, इस ग्राफ का जो एरिया है, जैसे इतना जो एरिया है इतने पोर्शन का, ये एरिया से क्या पता चलेगा आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये पूरा एरिया, दिस विल गिव द डिस्टेंस. इससे आपको क्या पता चलेगा? उससे डिस्टेंस,
स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से क्या पता चलता है, डिस्टेंस पता चलेगा. तो एरिया विल गिव द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कहां से कहां तक हो गया, मान लो टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टाइम टी तक हो गया. यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो है आपका, अगर पूरा एरिया ले रहे हो तो इससे क्या पता चल गया, आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ. फिर यहाँ पे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इधर पे टाइम टी, इधर पे वेलोसिटी वी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं अभी यहाँ पे ये मत बोलना सर सबके नेचर एक जैसे क्यों बना दिए, मतलब सिर्फ समझाने के लिए है, फिर आगे अपन देखेंगे तो अलग अलग में भी अपन कैलकुलेशन करेंगे. हाँ, इसकी स्लोप से क्या पता चल रहा है अपने को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उससे क्या पता चलेगा. तो यहाँ पे टेन थीटा, हाँ यहाँ पे ऐसे ये फिक्स है. हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी, नहीं तो नहीं. हाँ, जबकि यहां पर की जो स्लोप है टेन थीटा, मतलब जिसको आप स्लोप बोलते हो, दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, फिक्स हो गया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको, हाँ बोलो बेटा आयुष बोलो. सर आप बहुत अटक रहे हो. अरे वो थोड़ा सा नेट की दिक्कत हो रही है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, एक दो से. हाँ. ठीक है. हाँ, और एरिया अगर निकालना, जैसे आपको इतनी जगह का आपको एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो T1 से T2 तक का अगर आप एरिया निकाल रहे हो, ये T1 है और ये T2, तो इतने एरिया से क्या पता चलेगा, इतने एरिया से क्या पता चलेगा, ये वाले एरिया से क्या पता चलेगा, कौन बताए. हाँ, तो ये जो एरिया आप लिख रहे हैं, ये पूरा एरिया यहाँ पर, मतलब पूरा, हाँ नीचे अकेले का नहीं, पूरा एरिया. तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, ये P है, ये Q है. एरिया ऑफ पी क्यू टी टू एंड टी वन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक का डिस्प्लेसमेंट पता चलता है. ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हो गया, समझ गए इतना. तो एक स्पीड टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने देख लिया. एक तो एक्सीलरेशन भी निकल सकता है, और एक उसका एरिया से क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है. समझ गया, स्पीड टाइम ग्राफ से. अच्छा, डिस्टेंस नहीं निकलता है क्या, डिस्टेंस निकल सकता है कि नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस मेजर हो सकता है कि नहीं. वेलोसिटी टाइम से होता लाइन पर होता नहीं, जीरो जीरो से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन चेंज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो लाइन पर हो, स्पीड पॉजिटिव हो. देखो यहाँ पे एरिया का जो मॉड आएगा या डिस्प्लेसमेंट का मॉड कहीं कहीं पे, चलो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा उस पर, है ना. आप डिस्टेंस भी बता सकते हो कैसे निकालते, वो अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे उस पर आ जाएगा. ठीक है ना, अगले पेज पे जाते हैं अपन, पेज नंबर थ्री पे. तब तक अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को समझ लेते पहले. इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद में. ले लिए पेज नंबर थ्री पे. हाँ, पेज नंबर थ्री पे. अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को समझ लीजिए. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में इधर टी, इधर पे ए, इसके स्लोप से कुछ मीनिंगलेस क्वांटिटी आएगी क्या, कोई मीनिंगलेस क्वांटिटी नहीं मिलती यहाँ पे स्लोप से इसके. ठीक है, मीनिंगलेस क्वांटिटी यहाँ पे इसकी जो स्लोप है, तो स्लोप क्या बताएगा, सिर्फ यहाँ पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप मतलब टेन थीटा
तो tan थीटा इक्वल्स टू बेटा dA अपॉन dt है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन, या एसिलेशन किस रेट से चेंज हो रहा आपको ये भी पता चलेगा, या फिर आप डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बता सकते हो, बट ये मीनिंगलेस है, अभी इसको कोई नाम नहीं दिया गया ऐसा है ना, क्योंकि इसके ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी आगे कि भाई हमको इसकी जरूरत है कि एसिलेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। हाँ, अब एरिया से जरूर हमको पता चलेगा, एरिया जो है ये जैसे पूरा एरिया अपन ने ले लिया यहाँ पे, इस एरिया से क्या पता चलेगा, T1, T2, ये P और ये Q, तो ये जो पूरा एरिया आ रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ PQ T2 T1 किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एसिलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है ना, आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए डी टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, T1 से T2 तक है, और जब आप एसिलरेशन को इंटीग्रेट करोगे यहां से तो चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या पता चलेगी यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगी, ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगी बेटा एरिया से यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कहां पर की टी इक्वल्स टू टी टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल्स टू टी वन, मैंने जीरो से इसलिए नहीं किया क्योंकि जीरो से करोगे तो इनिशियल कहां पर की आ जाएगी, जीरो वाली आ जाएगी, तो इसमें क्या पता चलता है, चेंज इन वेलोसिटी पता चलती है, अभी समझ गए, तो एसिलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या पता चलेगा, एसिलरेशन पता चलेगा, ठीक है, समझ गए इतना, अब कुछ ग्राफ से अपन अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ अगले पेज पे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, ले लो स्क्रीन शॉट ले लो बेटा जल्दी से ले लो, है सर पेज नंबर सेकंड का लेना है, हाँ इस पेज का हो गया, यस सर, हो गया, यस सर, अभी पेज नंबर 4 है, हाँ अभी क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसमें अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है अपन ड्रॉ कर दे रहे हैं, मतलब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, ये टी इधर पे, ये भी इधर पे, और पहले तो मैं पॉइंट डाल दूं यहाँ पे, ये 5 है, ये 10 है, ये -5 है, ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, ये 30 सेकंड, टाइम टी काय में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, और वेलोसिटी किसमें मेजर हो रही है, मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, अभी देखो ग्राफ कैसा बन रहा है इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यहाँ पे, एक चीज ध्यान देना, मैं अभी ग्राफ तो बना दे रहा हूं, जैसे ये आपने बना दिए ना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसके बाद आपका जो ग्राफ है वो यहां से भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद
ये ऐसा दिखा और देन एक मिनट और आगे भी प्रोड्यूस करना मुझे यहां तक आ गए। ये ऐसा बना बेटा ग्राफ इसका पूरा। हाँ ओवरऑल इसको जरा थोड़ा एनालिसिस करके बताओ, ग्राफ का एनालिसिस कैसे कर रहे हो यहाँ पे आप। ये टी इधर पे ले लिए, ये यहाँ पे 30 सेकेंड है, ये है 40 सेकेंड यहाँ पे 40 छोड़ देते, 40 अपन डायरेक्ट कर देते हैं। ये 40 सेकेंड है हाँ, टाइम टी टाइम लिए आपने सेकेंड पे लिए। ये ग्राफ ऐसा बना है, ठीक है समझ गए ग्राफ। हेलो ग्राफ समझ गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का। अभी देखो आप जब कॉपी पे ग्राफ बनाओगे तो एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान देना, इस ग्राफ में यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, ये एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है। ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होते, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करते, और जहां पे ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है ऐसे शार्प कॉर्नर भी नहीं होते, यहाँ पे स्मूथ टर्न होता है, देयर इज नो शार्प कॉर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इसको, देयर इज नो शार्प कॉर्नर इन द ग्राफ, ग्राफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते इनमें, है ना। जैसे भले आप वहां पे रुक गए या फिर, तो भी वो ब्रेक नहीं होगा वहां पे ग्राफ। जैसे वेलोसिटी कहीं पे जीरो हो सकती है तो फिर वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन पोजिशन टाइम ग्राफ आप बना रहे हो, जैसे मान लो 10 सेकंड के बाद आप रुक गए, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो का मतलब ऐसा है कि यहां से तुम नीचे ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो आप रुके हो कहीं पे, जैसे ये गए 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो ऐसा आ गया ना, तो एकदम जीरो नहीं होती। ग्राफ कैसा बनता, कभी भी ऐसा जाएगा और फिर स्मूथ टर्न होके ऐसा आएगा। तो ग्राफ में शार्प कॉर्नर नहीं होते, कैसे होते, स्मूथ टर्न होते, कभी भी स्मूथ टर्न भले बहुत आसानी से हो, थोड़े से हो, स्मूथ टर्न होते। क्यों नहीं होते, अगर आपने शार्प कॉर्नर बना दिए ग्राफ में, इसका मतलब उस जगह पे dv/dt की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्मूथ टर्न। और अगर ऐसा नहीं है तो ये डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, हाँ dv/dt ये डिफाइंड नहीं होगा, ये मैं हटा दे रहा हूं अभी। तो बस ये ध्यान रखना आगे से आप लोग अभी, कि ग्राफ में क्या नहीं मिलेंगे आपको, इस तरह के शार्प कॉर्नर नहीं मिलेंगे। शार्प कॉर्नर का मतलब ये होता है कि वहां पे वेलोसिटी अचानक चेंज हो गई, अचानक मतलब समझ गए, वेलोसिटी अचानक चेंज हो गई, तो ऐसे अचानक चेंज नहीं होती। आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे यहीं पे आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी चल रही है, आप t=0 पे वेलोसिटी जीरो है, आपने स्टार्ट किया गाड़ी को, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हो। 10 सेकंड बाद आपने गाड़ी की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, क्या अचानक कांस्टेंट हो जाएगी 10 सेकंड में, कि थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, अचानक चेंज होती कि स्मूथ चेंज होती, मतलब अचानक मतलब कि स्मूथ चेंज होता है, कभी भी है ना, स्मूथ चेंज होता ना कि अचानक हो जाता है, नहीं होता ना। आप गाड़ी को अचानक रोक सकते हो क्या, अचानक मतलब समझ गए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ को सीधा ऐसा नीचे उतार देता, इसके बाद मैं चेंज करूंगा, क्या ये ऐसा हो जाता ग्राफ, कभी भी सीधा यहीं पे आ जाता, ये आता कि फिर ये इस तरह से आता, कौन सी वाली लाइन आती, सेकंड वाली की फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, सेकंड वाली, अचानक 10 से 10 में तुरंत जीरो नहीं होता ना, तुम कितना भी ब्रेक लगा दो, कितना भी हार्ड ब्रेक आप लगा दो,
कभी भी ऐसा थोड़ी कि तुरंत जीरो हो जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड जीरो हो जाएगी, पॉसिबल है ऐसा क्या? इसका मतलब क्या कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? अगर मैं ये ग्राफ को एकदम सीधा यहाँ पे प्लॉट कर दूं ऐसा, और ये एक ऐसा प्लॉट किया मैंने, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? पहली वाली जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन हो गया इन्फिनिटी। एक्सीलरेशन इन्फिनिटी हो सकता है क्या? एक्सीलरेशन इन्फिनिटी हो सकता है क्या? एन एक्सीलरेशन भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए अचानक इस तरह के चेंज ग्राफ में कभी भी नहीं मिलेंगे, आगे भी ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आपको बुक में इस तरह से कॉर्नर्स हो सकता दिख जाएं, कॉपी पे बनाते टाइम आपको कॉर्नर दिख जाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, बताया है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो उसमें सडन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हमेशा चेंज कैसे होने चाहिए? स्मूथ चेंज होने चाहिए, लेकिन बुक में या कॉपी में जब आप ड्रॉ करते हो तो फिर ये इस तरह से हो सकता है, मतलब आप बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान रखना, कभी भी ग्राफ में क्या नहीं होते बेटा? सडन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए अभी? सडन चेंज नहीं होना चाहिए ग्राफ में, स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ो यहाँ पे, क्वेश्चन आंसरिंग कर ले फटाफट अपन। तो यहाँ पे जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है जीरो से टेन सेकंड के इंटरवल में, एक्सीलरेशन आपको जीरो से टेन सेकंड के इंटरवल में निकालना, तो कैसे निकालोगे? जीरो से टेन सेकंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन कितना है? टेन से ट्वेंटी सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है? यहाँ पे आपको अब आंसर्स देना कुछ क्वेश्चन के, ना? आंसर द फॉलोइंग, आपको कुछ क्वेश्चंस के अब यहाँ आंसर देना। तो जैसे पहला हो गया एक्सीलरेशन कहां से कहां तक? टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टेन के बीच में कितना एक्सीलरेशन है बेटा? जीरो से टेन के बीच में, तो आप क्या लिखोगे? माइक म्यूट कर दो ना, माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो, ठीक है? जीरो से टेन के बीच में एक्सीलरेशन कितना है? वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख फाइनल वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? फाइनल वेलोसिटी कितनी दिख रही ग्राफ में? वेलोसिटी ग्राफ में कितनी दिख रही है? जीरो से टेन पे मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू टेन माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, चलो वैल्यू पुट करो, 10 पे वेलोसिटी 10 है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए अभी कि नहीं? अरे भाई समझ गए? अब अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन फ्रॉम टी इक्वल्स टू 10 टू 20, 10 से 20 के बीच में कितना एक्सीलरेशन? Yes, it is zero. Velocity constant है तो acceleration zero है, है ना? आप solve करके देख लो चाहो तो। Solve कैसे करोगे? Now velocity at t equals to 20 minus velocity at t equals to 10 divided by 20 minus 10. Answer is again 10 minus 10 divided by कितना बचेगा? 10. The answer is 0 by 10. Zero. ठीक है? समझ गए कि doubt है इस पे? अरे भी समझ गए, डाउट है जल्दी बताओ। समझ गया सर। अच्छा, जीरो एक्सीलरेशन एक और जगह मिल रहा है, जीरो सेकंड से थर्टी सेकंड के बीच में भी जीरो एक्सीलरेशन है ऑन एन एवरेज, लेकिन ट्वेंटी से थर्टी के बीच में कितना एक्सीलरेशन है? ट्वेंटी से थर्टी के बीच में माइनस वन मीटर पर सेकंड। तो अगर आप एक्सीलरेशन देख रहे हो टी इक्वल्स टू 20 से 30 सेकंड के बीच में कितना आएगा बेटा? माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा? देख लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बताऊं कि समझ गए ये? माइनस वन समझ गए सर, माइनस वन समझ गए सभी? हाँ, देख 30 पे वेलोसिटी जीरो हो गई है और 20 पे कितनी है? प्लस 10 है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर कितना बचेगा? माइनस वन बचेगा। बताना है सॉल्व करके कि नहीं? हेलो नो सर, समझ गए पूरा? पूरा समझ गए? हाँ सर समझ गए सर।
तो कहीं से कहीं तक का भी निकाल सकते हो फिर, जैसे यहाँ पे आप एक इंटरवल 35 ले लेना एक और, है ना, 30 से 35 एक और इंटरवल मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ एरिया, जैसे ये एरिया आपका हो जाएगा यहाँ पर का A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया आपका पूरा A4। कहां से कहां तक का A4 है पूरा, 30 से 40 तक, 20 से 30 तक A3, A1 कहां से कहां तक का है, 0 से 10 तक। तो पूरी जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अच्छा, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे ग्राफ को, कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे ग्राफ में, इंटरप्रेट कैसे करोगे, कोई बताएगा क्या ग्राफ में क्या होगा? पहले कांस्टेंट एसिलेशन से चल रही है, फिर एसिलेशन जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, और फिर एसिलेशन के बारे में मत बताना, वेलोसिटी के हिसाब से डिस्कस कर ग्राफ, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बताओ ग्राफ को। पहले कांस्टेंट है, वेलोसिटी पहले कांस्टेंट कहा बेटा, नहीं है, नहीं नहीं सॉरी, इंक्रीज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, हाँ, फिर कांस्टेंट हो गई है 10 पे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, उसके बाद नेगेटिव हुई ना, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? तो जैसे यहाँ देखो, अभी स्क्रीन पे देखो मुझे, ये पैन वेलोसिटी मतलब गाड़ी रिवर्स गियर में जाने लगी, रिवर्स गियर नहीं, पीछे आने लगी, वापस डायरेक्शन चेंज हो गया उसका, हाँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि गाड़ी अभी इधर जा रही, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर डिक्रीज हुई और फिर रिटर्न हुई यहाँ से, फिर कहीं जाके रुकेगी, हमें नहीं पता कहाँ रुकेगी, ओरिजिनल पे, ओरिजिन पोजीशन पे पहुंच रही है कि नहीं, वो तो पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। अगर ओवरऑल जर्नी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फिर क्या रहेगा वहां पे, उसकी वेलोसिटी सॉरी पोजीशन वहीं पे आ जाएगी, वो जहां पर थी। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब वो या तो आगे जाएगी या पीछे रहेगी। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो आगे रहेगी, और अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया तो जहां से चालू हुई थी उसके भी पीछे चली गई है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, आप घर से निकले, पहले गाड़ी की स्पीड बढ़ाए, फिर कांस्टेंट स्पीड से चले, फिर धीरे धीरे रोक दिए, ठीक है, दुकान पे जाके, फिर दुकान से आप क्या होने लगे, वापिस आने लगे। अब हो सकता आप घर के पास, घर में पहुंच के रुके, या पीछे रुक गए, या आगे चले गए। अभी समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए, आपके घर से एक सीधी सड़क पे एक दुकान, सर समझ गए, आपके घर से सीधी सड़क पे एक दुकान है, आप घर से गाड़ी निकाले और दुकान की तरफ चले, पहले वेलोसिटी बढ़ाए, फिर कांस्टेंट किए, फिर दुकान पे पहुंच के आपने उसको रोक दिया, वापिस से जीरो, है ना, और फिर आप वापिस लौट रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि घर के पहले ही रुक गए, किसी से बात करने लगे फ्रेंड से, या घर पे आके रुके, या घर के आगे जाके किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो ये तीनों सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप घर पे आके रुके हो, कि घर से पहले रुक गए, कि घर से आगे निकल गए हो? तो वो पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट से, पूरा फाइनल, है ना। तो ग्राफ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे करोगे, कौन सा वाला एरिया नेगेटिव मिलेगा आपको, कौन सा वाला एरिया नेगेटिव मिलेगा, A4, A3, A2, A1, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया नेगेटिव मिलेगा, A4 वाला नेगेटिव मिलेगा ना, A4 वाला नेगेटिव मिलेगा, मतलब दुकान से आप वापिस आने वाले हैं, है ना। माइक म्यूट कर लो बेटा, ठीक है, दुकान से जब आप वापिस आ रहे हैं तो वो वाला नेगेटिव मिल रहा है ना आपको। तो अब आपको अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे करोगे, यहाँ पे ओवरऑल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये निकालना, तो ये कैसे करोगे यहाँ पे, ठीक है, देखो अब इस पे। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये आपको चाहिए, सर ये थर्ड सॉल्व करके बताओ, कौन सा वाला बेटा, सर ये थर्ड, ठीक है देख ले, थर्ड वाले को देख ले, 30 पे मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 30 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू कितना, 20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, ये तो समझ गए आपकी नहीं, ये समझ गए कि नहीं आप? यस सर, ये उसके बाद, हाँ उसके बाद अब ये कितना हो जाएगा, 30 पे वेलोसिटी जीरो है और 20 पे कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया आंसर, -1, समझा?
समझ गया अभी कि नहीं? हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां पर के लिए निकालना आपको, पूरा ओवरऑल t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू 40 तक का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना, पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना. अगर 10 तक का चाहिए था तो सिर्फ a1 निकाल लेते, जहां तक चाहिए वहां तक के इंटरवल लिख दो. तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ए वन प्लस एरिया ए टू, सीधा सीधा कर दो, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर. आपको क्या करना, सभी एरिया को ऐड कर देना. तो मैं ना एरिया का कैलकुलेशन यही ग्राफ में कर देता हूँ. यहीं पे बताओ जरा, ए वन कितना आएगा, डायरेक्ट बता सकते हो क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए वन. ए वन एरिया कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे 50 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो कितना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 100. ए थ्री भी कितना रहेगा, 50. फिर ए फोर का एरिया कितना रहेगा, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे 30 से 40 मतलब 10, 50, 25 बचेगा, हाँ या ना? अरे 25 बचा कि नहीं, माइनस 25 देख लो एक बार. हाँ सर. हाँ, मैंने एरिया डायरेक्ट लिख दिया वहां पे. हाँ, कैलकुलेशन करके. किसी को डाउट है क्या एरिया निकालने में, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर? अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा. वैल्यू जब पुट करोगे, ए वन इज 50, ए टू इज 100, ए थ्री इज 50, ए फोर इज माइनस 25. सो व्हाट इज योर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, 175 मीटर. हाँ, प्लस 175 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट. क्या कंक्लूजन निकला, आप घर से गए स्ट्रेट रोड पे, आपकी दुकान थी, फिर वापस आ रहे हो, क्या आप अपने घर पे पहुंच गए कि पहले ही रुक गए किसी दोस्त से बात करने के लिए यहाँ पे? क्या हुआ, पहले ही रुक गए मतलब दुकान से वापस लौटे और आपका दोस्त मिल गया वहां पे, आप रुक गए, इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे, समझ गए ना? और अगर ये जीरो आ जाता इसका मतलब आप घर पे पहुंच गए होते, और अगर ये नेगेटिव आ जाता इसका मतलब आप घर से आगे निकल गए होते. अच्छा, इस पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये भी आप निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस कवर हुआ. अगर आपको डिस्टेंस निकालना यहीं पे, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू जीरो से लेकर t इक्वल्स टू 40 सेकेंड के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको सभी एरिया के मॉड को ऐड करना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मॉड मतलब सभी एरिया की पॉजिटिव वैल्यू बेटा आपको ऐड करना है. तो सभी एरिया की अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो तो कितना बच रहा है, देखो अभी यहाँ पे 225. डायरेक्ट लिख दूं कि पूरा, समझ गए अभी आप लोग? डायरेक्ट लिख दूं 225. यस सर. पक्का डायरेक्ट लिख दूं? Yes, किसी को sir. है कोई कैलकुलेशन? नहीं सर, मैं नहीं समझा. 50 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 25 हो गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा तुमने, 225. देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होते कि नहीं होते. आप घर से निकले, दुकान तक पहुंचे. अच्छा, दुकान तक पहुंचने का कितना, दुकान तक पहुंचने का मतलब जहां पे आप रुके हो, है ना, कितनी देर पे रुके, 30 सेकंड पे. तो दुकान तक पहुंचने में आपने कितना डिस्टेंस चल लिया, 200 मीटर. फिर आप वापस लौटने लगे और आपने 25 मीटर और चला, फिर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो वहां पे. तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस कवर इज 225 एंड योर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस टू द फाइनल पोजिशन ऑफ 40 सेकेंड, योर डिस्प्लेसमेंट इज 175 प्लस 175. अभी समझ गए सिचुएशन पूरी, इमेजिन कर लिए कि नहीं कर लिए? हेलो, अरे सिचुएशन इमेजिन कर लिए या नहीं, पूरा कैलकुलेशन समझ गए? कोई डाउट है अभी इस पे, कैलकुलेशंस पे कोई डाउट है किसी को? नो सर. हो गया, समझ गए कैलकुलेशन. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी. हाँ, पेज नंबर 4 का. पेज नंबर 4 दो टुकड़ों में मिलेगा आपको, नीचे भी कुछ पार्ट है कैलकुलेशन का. यहाँ पे 4 मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दैट इज 4A. फिर हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिए क्या?